अफ्रीका पीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 12 के लिए हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन। तो पिछली वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस माने आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस माने आज्ञा सूचक वाक्य। इन इंपरेटिव सेंटेंस से इंपरेटिव सेंटेंस से हमें आज्ञा अनुरोध प्रार्थना का भाव मिलता है इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है इनके नियम, इसके परिवर्तन के नियम। परिवर्तन के नियम देखते हैं हम लोग। रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा हमारा, सेड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को भाव के अनुसार ऑर्डर या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो इसके हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑर्डर का, रिक्वेस्टेड का, अथवा एक चीज और एडवाइज्ड, सलाह, एडवाइज्ड में बदलते। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, सिट डाउन। अब देखिए बच्चों, ये वाक्य है द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। अब प्रिंसिपल है, बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे को कह रहे बैठ जाओ, तो रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे, वो ऑर्डर दे रहे हैं, बच्चे को ऑर्डर दे रहे हैं बैठने का। तो इसमें जो है ऑर्डर का भाव हो रहा है, आदेश का भाव हो रहा है। तो इसकी जब लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर
सेट टू की जगह किसका प्रयोग कर लेंगे, ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉय। अभी इसकी जगह पे हम लोग assertive में कर रहे थे that का प्रयोग, फिर उसके बाद interrogative आया if का प्रयोग कर रहे थे। अब लेकिन यहाँ पर हम लोगों को to का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, to का। Why to sit down, to sit down, ये हो गया the principal order the boy to sit down। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, रवि सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट गो आउट। बाहर रवि ने अपने नौकर से कहा डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग दो प्रकार से करेंगे। ये करेंगे हम लोग, एक क्या हो रहा है, आदेश देना, आदेश। ये रवि मालिक हो रहे हैं और नौकर क्या हो रहा है, भाई सर्वेंट है, वो नौकर है, तो मालिक जो है वो क्या करेगा, आदेश ही देगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका कैसे करेंगे हम लोग। रवि सेट टू की जगह हम लोग करेंगे ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ठीक है, जब हम लोग ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, रवि ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, तो यहां पर हम लोग नॉट को आगे लगाएंगे। किसको आगे करेंगे, नॉट को आगे लगाएंगे। ठीक है, नॉट को आगे करेंगे यहां पर, जब इस तरीके का निषेधात्मक नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट का प्रयोग हुआ रहे तो डू को हटाएंगे हम लोग। यहाँ पर फिर टू का प्रयोग करते, टू का नहीं करेंगे अभी, पहले हम लोग नॉट लिखेंगे, नॉट फिर टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू गो आउट। जब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, रवि ऑर्डर हिज सर्वेंट नॉट टू गो आउट। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और किया जा सकता है। ऑर्डर यहाँ पर देखिए मना कर रहा है, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ, रवि नौकर को अपने मना कर रहा है। तो हम लोग इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, यहां ये हो जाएगा रवि फॉरबिड। ये देखिए सेट टू की जगह हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, फॉरबिड का। फॉरबिड माने भी होता है मना करना, रवि फॉरबिड हिज सर्वेंट, रवि फॉरबिड हिज सर्वेंट। अब हम लोग जैसे पहला वाला किए थे, कर सकते हैं टू गो आउट, गो आउट। अब आपके माइंड में आई होगी बात, सर कि ये डू नॉट कहा गया, इसके लिए डू नॉट कहा गया, तो डू नॉट बच्चों किसको हमको दिखा रहा है, डू नॉट मतलब निषेधात्मक वाक्य, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। तो इसमें देखिए रवि ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू गो, रवि ने अपने नौकर को बाहर जाने से मना किया। अब यहां हम लोग देखते हैं, ये देख रहे हैं फॉरबिड, तो यहां से डू नॉट हटा दिए हैं, तो इसमें डू नॉट का प्रयोग हुआ था तो इसमें ऑर्डर हुआ, लेकिन यहाँ ऑर्डर ना होकर फॉरबिड हो रहा है। फॉरबिड मींस भी होता है मना करना, फॉरबिड माने मना करना, तो वही हो गया रवि फॉरबिड हिज सर्वेंट, रवि ने अपने नौकर को मना किया टू गो आउट, बाहर जाने से, रवि ने अपने नौकर को बाहर जाने से मना किया। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, जब निषेधात्मक वाक्य आएंगे, नेगेटिव आएंगे, इसमें डू नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा। आप लोग उसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से ऑर्डर करने के बाद डू हटा देंगे, डू या डिड जो रहेगा उसको हटा के नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर टू का प्रयोग करेंगे, फिर बाकी चीजें लिख देंगे। एक इस प्रकार से फॉरबिड लगा के यहाँ पर ऑर्डर की जगह फॉरबिड कर देंगे, तो यहाँ से डू नॉट डिड नॉट जो रहेगा उसको पूरी तरह से हटा के टू का प्रयोग करके इस तरीके से कर देंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट
डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट टू मच, डू नॉट ईट टू मच, पेशेंट डू नॉट ईट टू मच। देखिए अब इसकी क्या कर रहे हैं, परिवर्तन देखते हैं इसका। द डॉक्टर ऑर्डर, द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट, पेशेंट। अब देखिए एक हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अभी ये नॉट ऑर्डर किए हैं तो डू हटा कर हम लोग किसको लगाएंगे, नॉट टू ईट टू मच, ये हो गया। द डॉक्टर ऑर्डर द पेशेंट नॉट टू ईट टू मच, ये हो गया। अब इसके अलावा हम लोग ऑर्डर का प्रयोग ना करके द डॉक्टर फॉरबिड, द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट, द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू ईट टू मच, ये हो गया। ये एग्जाम्पल से आपकी डाउट, हमको ऐसा लगता है आप इस एग्जाम्पल से आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो इस संदर्भ में आप लोगों को गृह कार्य प्रदान करा दिया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आई होगी, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग हमारे नंबर 8808-38-4801 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके आप लोग अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.